समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर झारखंड सरकार एवं केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद हुआ जैन समाज। झारखंड स्थित जैन तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने को लेकर जैन समाज ने विरोध शुरू कर दिया है। झारखंड सरकार एवं केंद्र सरकार के इस फैसले और जैन समाज की तपोभूमि को बचाने के लिए जैन समाज सड़कों पर उतर आया है। आज शुक्रवार शाम को सैकड़ों की संख्या में जैन समाज सहित अन्य समाज के लोग पोहरी के चंदा प्रभु जिनालय जैन मंदिर पर एकत्रित हुए, फिर हाथों में मोमबत्ती लेकर झारखंड सरकार के इस फैसले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च शिव कॉलोनी स्थित जैन मंदिर से शुरू हुआ, जो मैन चौराहा होते हुए वापस जैन मंदिर पर जाकर ये कैंडल मार्च समाप्त हुआ। कैंडल मार्च में पुरुष, महिला, किशोर, किशोरी और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए। हाथों में कैंडल लेकर झारखंड सरकार का विरोध करते हुए सिर्फ समेत शिखर को बचाने के नारे लगाए। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज आपने जैन समाज ने मशाल यात्रा निकाली है, क्या है? आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से समेत शिखर जो हमारा सिद्ध क्षेत्र है उस पर झारखंड और केंद्र सरकार द्वारा उसको पर्यटक क्षेत्र घोषित कर दिया, उसके विरोध में आज पोहरी जैन समाज के अलावा अन्य समाज ने भी कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। अभी सरकार फिर भी नहीं मानेगी तो इसके बाद हम उग्र रूप धारण करेंगे, जैसे आंदोलन करेंगे और सरकार के विरोध, केंद्र सरकार के विरोध हम पूरी जैन समाज जाएगी यदि उन्हें इस फैसले को वापस लेंगे।